हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद पढ़ा था घन तथा घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं, ठीक है। मतलब पॉइंट्स पर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऑपरेशन, यानी कि पॉइंट में गुणा कैसे होता है, पॉइंट में भाग कैसे होता है, जोड़ा कैसे जाता है, घटाव कैसे जाता है और भिन्नों वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले समझते हैं दशमलव संख्या होती क्या है। दशमलव यानी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाली संख्या होती क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई मेरे पास संख्या ये लिखी है 523.524। हमेशा याद रखिएगा पॉइंट के बाद जो संख्या होती है, ठीक है, उसको कभी पूरा नहीं पढ़ते, यानी कि 524 नहीं पढ़ा जाएगा इसको, इसको पढ़ा जाएगा 524, ठीक है। यानी कि लिखा है अपने पास 49.37, ठीक है, तो इसको 37 नहीं पढ़ा जाएगा, अलग अलग पढ़ा जाएगा। 3 को अलग पढ़ेंगे और 7 को अलग पढ़ेंगे। दशमलव से पहले वाली संख्या को हम पूरा पढ़ेंगे, जैसे 49 लिखा है, ठीक है, तो 49.37, इसको 37 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 37, ठीक है। दशमलव के बाद लिखी संख्या यानी पॉइंट के आफ्टर जो संख्या लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई है, उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 524, ठीक। अब दशमलव वाली संख्या में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो पूर्ण संख्या भाग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूर्ण संख्या भाग है, यानी कि उल्टे हाथ पर या बाएं हाथ पर, और दाएं हाथ पर यानी राइट हैंड साइड में हमेशा दशमलव भाग होता है, ठीक है। मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को अलग अलग तोड़ के पढ़ते हैं, यानी कि 523.524, 524 नहीं पढ़ेंगे इसको, उसको पढ़ेंगे 5, 2 और 4, ठीक है, या 524, ठीक। तो 523.524, ठीक। अब इस पर कुछ संक्रियाएं होती है, ठीक है, इस पर कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है दशमलव संख्याओं का जोड़, यानी कि एडिशन। एडिशन समझ लेते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए अपने पास तीन संख्या है, दो तीन संख्या दे रखी है। पहली संख्या दे रखी है 123.45, दूसरी संख्या दे रखी है 520.347, और तीसरी संख्या दे रखी है अपने पास 120.426, ठीक है। सबसे पहले इस ऑपरेशन को करने के लिए, जोड़ करने के लिए दशमलव संख्याओं का, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तीनों संख्याओं का, ठीक है। तो पॉइंट पहली संख्या लिख लेंगे, फिर दूसरी संख्या लिखने के लिए इसका पहले पॉइंट लगाएंगे। अब देखेंगे पॉइंट में इधर वाली संख्या कितनी, इसमें तीन संख्या है, इसमें दो है, तो पहली संख्या के नीचे इस वाले के पॉइंट के जस्ट बगल वाली आएगी, मतलब 4 के नीचे 3, अब ये 5, ठीक है, 5 के नीचे 4 आएगा, ठीक है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 लगा देते हैं, और तीसरी संख्या 7 है, 0 के नीचे आ जाएगी। बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या लिख लेते हैं, 3 के नीचे 0, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बगल में 3 है, इसमें भी पॉइंट के जस्ट बगल में 0 है, उसको लिखा जाएगा 3 के नीचे 0। एक अंक छोड़ के 2 है, इसमें एक अंक छोड़ के 2 है, उसको भी लिख लिया जाएगा। इसमें एक अंक छोड़कर एक, दो अंक छोड़कर 1 है, इसमें भी 2 अंक छोड़कर 5 है, अब 5 को लिख लिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या लिखी जाएगी, सबसे पहले पॉइंट लगाइए, पॉइंट के नीचे 3 संख्या है, पहले स्थान पर पहली संख्या, दूसरे स्थान पर दूसरी संख्या, तीसरे स्थान पर तीसरी संख्या। लेफ्ट वाली तीनों संख्याएं इसी प्रकार लिखी है, पहले स्थान पर पहली, दूसरे स्थान पर दूसरी, तीसरे स्थान पर तीसरी। अब इनका जोड़ करेंगे, ठीक है। जोड़ करने के लिए जो हम नॉर्मल ऑपरेशन करते, नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं मैथ्स में, उसी प्रकार होगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 13 की 3 1 हासिल आएगी, तो 10 और 2 12 हासिल 1, 4 और 4 8, 8 और 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 4, पॉइंट वाले स्थान पर पॉइंट, और 6 और ये 7। तो अपने पास जो एडिशन आया इस प्रकार किया। सबसे पहले ऑपरेशन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहली डिजिट लिखने के बाद, सबसे पहले जो अपने पास संख्या है वो लिख दी, उसको लिखने के बाद पॉइंट लगाएंगे, दूसरी संख्या का पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट के इधर वाली संख्या सीरीज में लिखेंगे, सबसे पहली संख्या के नीचे सबसे पहली संख्या, दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में इसमें कुछ नहीं था इसलिए हमने सपोज 0 किया था, वो तीसरी संख्या के नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले भी ऐसे, पहली संख्या के नीचे पहली, दूसरी के नीचे दूसरी, और तीसरी के नीचे तीसरी।
इसी प्रकार सेकंड थर्ड वाली संख्या भी लिख ली जाएगी। अब तीनों का नॉर्मल जो मैं एडिशन करते हैं मैथ में उस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर प्राप्त हुआ वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है घटाओ देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दशमलव संख्या को घटाओ या सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन वो कैसे किया जाएगा, दो संख्या मान लीजिए कोई भी 524 दशमलव 839 या 90 कुछ भी ले लीजिए, हमें माइनस करना है इसमें से। ठीक है, दो 20 या 20 ले लीजिए, 20.15। ठीक है, इसमें भी एडिशन के तरह है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड वाली संख्या लिखी जाएंगी, फिर राइट हैंड संख्या लिखी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं पहली वाली, ये डिजिट लिखी जाएगी सबसे पहले। अब इस पॉइंट के नीचे दूसरी वाली संख्या का पॉइंट लिखा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितनी संख्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो इसको भी पूर्ण संख्या के माइनस करने के लिए इसके नीचे भी तीसरी संख्या 0 लिख लेते हैं। ठीक है, एक अपनी तरफ से सपोज करके यहाँ हटा दीजिए, यहाँ लिखिए। ठीक है, तो दशमलव के जस्ट बगल वाली, इसमें भी दशमलव के जस्ट बगल वाली उसके नीचे आएगी। एक अंक छोड़कर 9 है, इसमें एक अंक छोड़कर 5 है, उसको यहाँ लिख लिया जाएगा। तीसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ तीसरे स्थान पर 0 मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या देख लेते हैं। ठीक है, दशमलव के लेफ्ट जस्ट लेफ्ट में कौन है, 4, इसमें दशमलव के जस्ट लेफ्ट में 0 है, उसको लिख लेते हैं 4 के नीचे। इसमें एक संख्या छोड़कर 2 है, इसमें भी एक संख्या छोड़कर 2 है, और यहाँ तीसरे स्थान पर 5 है, यहाँ तीसरे स्थान पर कुछ नहीं है, तो इसको हम 0 माइनस कर। ठीक है, अब सीधे जो हम माइनस करते हैं संक्रियाओं में, ठीक है, जो मैथ्स में उस तरह कर लेते हैं, 0 9 में से 5 है 4, 8 में से 1 है 7, ये 4, ये 0, ये 500, अपना ये उत्तर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर थोड़ा अलग टाइप से। ठीक है, मान लीजिए 335.1924 है, इसमें से हमें माइनस करना है 142.072। ठीक है, वही तरीका, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें दशमलव के जस्ट राइट में 1 है, इसमें दशमलव के जस्ट राइट में 0 है, तो 1 के नीचे 0 आ जाएगी। इसमें एक अंक छोड़कर 9 है, इसमें एक अंक छोड़कर 7 है, उसको यहाँ लिख लेंगे। इसमें 2 अंक छोड़कर 2 है, इसमें भी 2 अंक छोड़कर 2 है। इसमें 3 अंक छोड़कर 4 है, इसमें 3 अंक छोड़कर कुछ नहीं है, तो हमने बताया था कुछ नहीं होता है, तो उसको 0 सपोज कर लेते हैं। ठीक, और लेफ्ट की तीनों संख्या है, तो 3 डिजिट है, उनको भी ऐसे ही लिख लिया जाएगा। ठीक, तो अपने 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 2 में 9 में से 7 गए 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, और 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम नॉर्मल जैसे सब्सट्रैक्शन में हम हासिल लेते हैं, इसमें भी हासिल या कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 13, तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ हासिल लेने के बाद बचेगा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो अपने पास ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, 5 में से 0 घटाया तो हमेशा 0 लिखते हैं। नहीं बच्चों, कोई भी संख्या हो, ठीक है, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, उसमें से 0 घटाएंगे, 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगर पास 5 है, 5 में से अगर 0 घटाया तो वही संख्या प्राप्त होगी जो ऊपर लिखी है। ठीक है, ऐसे ही 9 में से 0 घटाएंगे तो हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार का ऑपरेशन इसमें आया था, 4 में से 0 घटाया तो 4 ही मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा बच्चे गलती करते, मैं देखता हूँ और की जगह। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बाद हम देखते हैं गुणा, दशमलव का गुणा या मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स नंबर। ठीक है, गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम, इसको गुणा करना है हमें 142 से। ठीक है, ठीक, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें पॉइंट वॉइंट नहीं देखना है, सीधे दोनों डिजिट को बिना पॉइंट के लिख दीजिए, एक के नीचे एक, तो 5, 2, 3, 4,
इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 120 82028, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जो नॉर्मल हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली संख्या का, इस पूरी संख्या में, तो 2 4 8, 2 3 6, 2 2 6, 8, 2 5 10। नेक्स्ट लाइन में जब दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, गुणा लगा लेते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब इस दूसरी डिजिट का पूरी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आ जाएगा यहाँ पे 4 3 2 5, ठीक है। नेक्स्ट जब जीरो का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 मल्टीप्लाई आएंगे, ठीक है। दो मल्टीप्लाई के बाद याद रखिएगा, ठीक है, अब जीरो का इस पूरी डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई चाहे 1 लाख में हो तब भी जीरो आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई चाहे कोई भी डिजिट में हो तब भी जीरो ही आएगा, मतलब जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी हो तो हमेशा जीरो ही। अब जितनी डिजिट है उतनी जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब दो का मल्टीप्लाई फिर से, अब ये तीसरी संख्या है तो 3 आगे 3 मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि इसके आगे 3 अक्षर है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हुई, पहली वाली डिजिट आ जाएगी 8 6 4 और 10। ये लास्ट संख्या बची, इसके आगे 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 4 3 2 5, ठीक। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनका एडिशन करेंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 6 और 4 10 की 0, 5 से ले 7 और 1 8, और ये 2 और 8 10 की 0, 5 से ले 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, ले ये बचेगा 8, यह बचेगा 2, यह बचेगा 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाने के लिए सारे जितने भी डिजिट्स हैं उनका पॉइंट से पहले कितने पॉइंट, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देख ली, पहली वाली संख्या में देख लीजिए 1 और 2, दो संख्याओं से पहले पॉइंट है, ठीक है। इस वाली डिजिट में भी 1 और 2, दो संख्याओं से, तो 2 डिजिट से पहले इसका, 2 से इसका, टोटल कितनी डिजिट से पहले है, मतलब 4 डिजिट से पहले, तो उत्तर में भी 4 डिजिट से पहले हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये अपना एक्चुअल आंसर हो जाएगा, मतलब 62870808, ये अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी डिजिट दे रखी है उन सबका पहले हम पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो उत्तर बचता है, जो उत्तर आता है उसमें दोनों डिजिट का पॉइंट काउंट करके उतने ही डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं, जैसे इसमें 2 डिजिट से पहले, इसमें भी 2, तो टोटल 4 डिजिट से पहले है, तो उत्तर में भी 4 डिजिट से पहले हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया, ठीक। अगर समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा दोबारा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं भाग, ठीक है, भाग या डिवीजन, ठीक। लास्ट पढ़ लेते हैं भाग या डिवीजन, ठीक है। किसी भी संख्या को, किसी भी पॉइंट वाली संख्या का दूसरी पॉइंट वाली संख्या में या विदाउट पॉइंट वाली संख्या में किस तरह भाग दिया जाएगा, मान लेते हैं अपने पास संख्या लिख रखी है, हमें भाग देना है, मान लीजिए 8 का भाग देना है हमें 230.152 में, ठीक है। तो इसमें भाग देने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल नॉर्मल तरीके से भाग दीजिए, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। 8 का सबसे पहले स्टार्टिंग संख्या में होगा 8 का, ये 8 2 16 बार, ठीक है, तो बचेंगे 7, और ये नेक्स्ट लाइन उतार, नेक्स्ट नंबर डिजिट उतार लेंगे 0। अब 8 का 7 70 में देंगे, 8 8 64 बार जाएगा, 8 8 64, बचेंगे 6। अब इसके बाद पॉइंट है तो क्वेश्चन में भी और आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे यहाँ, क्योंकि ये पूरा चला गया, ठीक है, फिर एक डिजिट उतारी, ठीक है, उसके बाद पॉइंट है तो हमने भी पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद इस एक को यहाँ उतारेंगे, ठीक है, 8 का 61 में भाग देंगे, 8 2 16, 8 3 8 4 8 5 8 4 8 6 8 8 2 56,
56, ये बचेंगे अपने पास 5, फिर इस नेक्स्ट वाली डिजिट को उतारेंगे 5 को, तो ये भी 8 6 48, ठीक है, 8 7 5, तो यहाँ बचेगा 7, अंदर यहाँ लिखने के बाद 2, और ये बचेगा 8 9 72। सिंपल होता है, पॉइंट बस जिस डिजिट के बाद पॉइंट है उसको सीधे सीधे लगा देते हैं, तो ये अपना ये उत्तर आ गया। ठीक, अब देख लेते हैं हम बच्चों पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, एंड फ्रैक्शन को या भिन्न को पॉइंट में या दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट वाली संख्या दे रखी है अपन को 324, मान लीजिए छोटी देख लीजिए कोई पहले 4.9, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। ठीक, कुछ नहीं करना है, 4.9 लिखिए, इसमें देखिए कितने पॉइंट, कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए, जितनी डिजिट उतने पॉइंट, ठीक है, जितनी डिजिट से पहले पॉइंट है उस एक के आगे उतने ही जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे एक डिजिट से पहले तो एक के आगे एक जीरो लगा दिया, ठीक है, तो ये अपना फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक, मान लीजिए रखा 3 1 4 5 6, इसमें दो डिजिट से पहले है तो 3 1 4 5 6 पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाइए, दो डिजिट है तो 2 0 और 1, ठीक है, ये सीधे सीधे फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, देख लेंगे किससे भाग जा रहा है, दोनों में भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, तो छोटा करने के लिए इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 0 तो 2 से कट जाएगा, 2 से 15 बार, 2 7 14, 2 2 4 2 8 16, 2 से 50 बार, अभी दोनों फिर इवन है, देख काटेंगे उनसे ही जो दोनों टेबल में आते हैं, दोनों ही डिजिट एक ही टेबल में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 0, फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, 2 से 25 बार, चेक कर लेंगे अभी 25 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो अपना जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 4 8 7 8 6 4 / 25, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब फ्रैक्शन से फिर वही चेंज करना है पॉइंट में, तो फ्रैक्शन ले लेते हैं वही 323/5, पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ऊपर वाली संख्या को भाजक के रूप में और नीचे वाली संख्या भाज्य के रूप में। ठीक, अब लिख लेते हैं इसको, लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 से ये 6 बार कटेगा, 5 से 32 में भाग देंगे तो 5 6 30 बचेगा 2, और इस 3 को यहाँ उतार लेंगे, 5 से ये 23 4 बार 5 24 बचेंगे 3। अब आया पॉइंट का काम, देखिए 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 के आगे 0 लगाने के लिए यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 का 30 में देंगे तो ये 5 6 30, ठीक है, इस तरह को फ्रैक्शन को पॉइंट में चेंज करने के लिए भाग करते हैं, तथा पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पॉइंट हटाकर जितनी डिजिट से पहले पॉइंट होता है एक के आगे उतनी ही 0 लगा देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लीजिए हमें 829/10 दे रखा है। ठीक है, तो भाग देने के लिए 10 829 में भाग देना है, तो 10 का देंगे 8 में जाएगा नहीं, तो 82 में जाएगा 10 8 80, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 10 का 29 में 2 बार, 10 2 20, फिर बचेगा अपने पास 9। अब 9 में जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाकर इस 9 के आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 से 9 बार 10 9, ठीक है, अपना जो उत्तर आया वो आया 82.9। ठीक, अब इस प्रकार आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करना सारी संक्रियाएं सीख ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोड़ा इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब तक आप इस वीडियो पर जो क्वेश्चन हैं जितने एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस पर जितनी आपको प्रैक्टिस करनी हो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तथा समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ कोई हमारे चैनल को शेयर नहीं करता है, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि भविष्य में आपको ये वीडियो इस प्रकार का हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त रहे। चैनल का नाम ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत शिक्षा। ठीक है,
और हमारा शिक्षा चैनल है हमारा, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले हम सब लोगों को बधाई देना चाहेंगे 15 अगस्त की, जो कल ही है, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे। जितने अभी गोल्ड मेडल आए हैं ओलंपिक्स में, ठीक है, गोल्ड आया है, सिल्वर आया है, उन सभी को, खिलाड़ियों को सभी को बहुत ज़्यादा बधाई, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।